हाँ, सो हम लोग रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस से चालू करेंगे आज, जो कि अर्थक्वेक डायनामिकल एनालिसिस है। और उस सबसे पहले हम देखेंगे आईएस कोड में वो क्या चीज़ है, मतलब डायनामिक एनालिसिस और क्यों करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे तो डायनामिक एनालिसिस कब करना है और क्यों करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्लॉज नंबर सिस्मिक वेट, इक्विवेलेंट स्टैटिक, इसके बाद डायनेमिक आएगा, डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, सो लीनियर डायनेमिक एनालिसिस शैल बी परफॉर्म टू ऑब्टेन द डिजाइन लेटरल फोर्स, दैट इज डिजाइन सिस्मिक बेस शियर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू डिफरेंट लेवल्स अलोंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड टू द वेरियस लेटरल लोड्स रजिस्टिंग एलिमेंट्स फॉर ऑल द बिल्डिंग्स अदर देन दी रेगुलर बिल्डिंग्स लोअर देन 15 मीटर इन सिस्मिक जोन टू। सो मैंने आपको बताया था ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मुंबई में लोकेटेड है और मुंबई का सिस्मिक जोन 3 है। ठीक है, सो इसका मतलब हमको डायनामिक एनालिसिस करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ जो लाइबिलिटीज है हमारे पास वो कहाँ पर है कि जब हमारा स्ट्रक्चर जोन 2 में होगा और वो भी उसकी हाइट बिलो 15 मीटर होगी, जैसे कि अपना स्ट्रक्चर है उसकी हाइट 14.8 है, मतलब बिलो 15 है, बट वो जोन 3 में है। ठीक है, सो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास वो ओनली फॉर सिस्मिक जोन 2 है, तो हमारा वो केस नहीं है, हमारा तो ये सिस्मिक जोन 3 में लोकेटेड है, सो हमको डायनामिक एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो क्यों करना है ये पता चल गया ना। अभी ये देखो वो कैसे परफॉर्म करना है वो बता रहा है। डायनामिक एनालिसिस मे बी परफॉर्म आइदर बाय टाइम हिस्ट्री मेथड और बाय रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ठीक है, दो मेथड है हमारे पास, टाइम हिस्ट्री एंड रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, बट टाइम हिस्ट्री हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, जो ग्राफ प्लॉट होता है ना अर्थक्वेक का, सो वो ग्राफ उसको बोलते हैं टाइम हिस्ट्री। बट अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थक्वेक आते हैं और हर एक का ग्राफ अलग होता है, तो आप कौन से अर्थक्वेक के लिए आपके स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करोगे। सो वो पॉसिबल नहीं है कि मतलब मैं किसी एक पैटर्न को एक टाइप का अर्थक्वेक लोड लूँ या दो टाइम हिस्ट्री लूँ और उससे मैं मेरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करूँ। सो वो हर जगह पे अप्लीकेबल होगा नहीं, सो बेटर इज़ टू यूज़ रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ओके, सो जब भी मैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड यूज़ करूँगा सो उसके बाद क्या करना है, वेन आइदर ऑफ द मेथड इज यूज द डिजाइन बेस शेयर वी बी, वी बी मतलब अपना जो सिस्मिक फोर्स है। ठीक है, तो बेस शेयर वी बी एस्टिमेटेड शेल नॉट बी लेस देन दी डिजाइन बेस शेयर वी बी बार, ये देखो बार आ गया, कैलकुलेटेड यूजिंग फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये बार मतलब जो स्टैटिक मेथड से वी बी आया है और ये डायनामिक मेथड से जो वी बी आएगा वो कम नहीं होना चाहिए स्टैटिक वाले से। ठीक है, वही वो बता रहे हैं, कैलकुलेटेड यूजिंग फंडामेंटल पीरियड, वो जो टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला देखा था। ठीक है, 0.075 एच रेस 2.75 एंड 0.09 एच बाय रूट डी। सो वो वाले फॉर्मूले से जो बेस शियर आया है वो बेस शियर हमारे डायनामिक के बेस शियर से ज़्यादा होगा, तो हमको डायनामिक के बेस शियर को इससे मैच करना पड़ेगा स्टैटिक वाले से। ठीक है, तो वो मैच करने के लिए हमारे पास ये फैक्टर है कि इफ माई वी बी, वी बी मतलब बेस शियर ड्यू टू डायनामिक इज लेस देन वी बी बार बेस शियर ड्यू टू स्टैटिक, देन द फोर्स क्वांटिटीज विल शैल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर वी बी बार अपॉन वी बी। ठीक है, तो ये अभी हम ई टाइप्स में देखेंगे कि कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो उस सबसे पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं हमारे मॉडल को। हाँ बोलिए, सर आपका आवाज फिर से बहुत कम आ रहा है। हेलो, सो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सो हमारे पास जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम अवेलेबल है वो ये है, जो ग्राफ है। ठीक है, उसमें से ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द स्पेक्ट्रम फॉर रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड, ये वाला स्पेक्ट्रम है, और ये स्पेक्ट्रम है इक्विवेलेंट सेटिंग मेथड के लिए। अब हम कौन सा यूज करेंगे, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम वाला। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे डिफाइन में, फंक्शन
फंक्शंस दिख रहे हैं, ये फंक्शंस में ये रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, इस पे क्लिक करना है ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो कोड है IS 1893-2016 ये सिलेक्ट करूंगा मैं और एड न्यू फंक्शन बोलूंगा ठीक है। सब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ IS 1893 ठीक है। और हमारा जो सिस्मिक जोन था वो कौन सा है? जोन थ्री ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जोन फैक्टर आ गया। इम्पोर्टेंस फैक्टर अपना वन है। सॉइल टाइप कौन सा है? वन ही है सर ठीक है। और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर फोर, हमने कितना कंसिडर किया था? फोर ठीक है, एवरेज लिया था हमने। तो ये सब इनपुट करना है आपको, उसके बाद ये देखो ये ग्राफ अपने आप प्लॉट हो जाता है। तो यही ग्राफ हमको यूज करना है ठीक है। और इसको हम डिलीट कर देंगे बिकॉज इसको हमको यूज नहीं करना है। ये हमारा ग्राफ है, इसको हम यूज करेंगे। ये तो हमने फंक्शन डिफाइन किया, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला ग्राफ हमने डिफाइन कर दिया अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सॉइल। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, लोड केस डिफाइन करेंगे। अब देखो जो स्टैटिक के लोड केसेस डिफाइन किए थे हमने, वो लोड पैटर्न में दिया था, अर्थक्वेक एंड विंड ठीक है। लेकिन अब डायनेमिक के लिए आपको जाना पड़ेगा लोड केसेस में ठीक है। तो डिफाइन लोड केसेस, उस पर क्लिक करेंगे और एड न्यू केस बोलेंगे। यहाँ पे एड न्यू केस के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन, जैसे हमने अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, अर्थक्वेक इन वाई डायरेक्शन, विंड इन एक्स डायरेक्शन, विंड इन वाई डायरेक्शन, ऐसे दो अलग अलग लगाए थे, वैसे भी रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम भी दो डायरेक्शन में लगाएंगे। सो स्पेक्ट्रम का मैं दो डायरेक्शन का जो लोड केस नेम है वो देखो कैसे लिख रहा हूँ, स्पेक एक्स, स्पेक इन एक्स डायरेक्शन, स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन ठीक है। तो यहाँ पे लोड केस टाइप में जाएंगे और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम सिलेक्ट करूंगा ठीक है। और ये जो है यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद देखो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन आ रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है वो एक्सेलरेशन का है ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो लोड नेम है वो U1 करूंगा। अब जो डायरेक्शन का इनपुट था, जब मैं अर्थक्वेक एक्स और अर्थक्वेक वाई डिफाइन कर रहा था, तब मैंने एक्स एंड वाई डायरेक्शन सिलेक्ट किया था डायरेक्शन के लिए ठीक है। बट वही अगर जब मैं विंड में लोड केस डिफाइन कर रहा था, तब मैंने विंड में क्या सिलेक्ट किया था, एंगल 0 एंड 90 डिग्री ठीक है। सो सिमिलरली जब भी डायनामिक एनालिसिस के लोड केस डिफाइन करोगे, तो आपको U1 एंड U2, ये जो डिस्प्लेसमेंट जो दिख रहा है ना, उसमें से U1 ठीक है, वन स्टैंड्स फॉर एक्स, सो U1 सिलेक्ट करना है। और ये फंक्शन में जो हमने डिफाइन किया था वो फंक्शन सिलेक्ट करना है। और ये जो स्केल फैक्टर है वो आपका आएगा I into G upon 2 into R ठीक है, IG by 2R। अब ये I का वैल्यू कितना था हमारा, I का वैल्यू 1 है ना। ये जो स्केल फैक्टर है, स्केल फैक्टर जो इनिशियल वैल्यू आपको डालना है अभी, वो मैं क्या मैंने क्या बताया आपको, IG एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 2 into R ठीक है। ये आपका वो जो फॉर्मूला है। अब ये मैं वैल्यूज पुट अप करता हूँ ठीक है। आई मेरा कितना है, 1 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आएगा, 9.81 ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 into R का वैल्यू है हमारा 4। ये हमको मिला 1.22625। बट यहाँ पे जो इनपुट देना है वो आपको mm में देना है ठीक है। सो mm में दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको मल्टीप्लाई बाय 1000, सो दिस मल्टीप्लाई बाय 1000, सो ये आ गया 1226.25। तो आपको यहाँ पे वो इनपुट करना है 1226.25 ठीक है, गॉट इट। ये स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन, लोड केस टाइप पे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, लोड नेम में U1, फंक्शन में जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था IS 1893, और ये जो स्केल फैक्टर है IG upon 2R ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो मॉडल लोड केसेस, ये तो मॉडल होगा, कॉम्बिनेशन मेथड कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन ये होगा, और डायरेक्शनलिटी के लिए SRSS।
और ये डायफ्राम इसेंट्रिसिटी में यहाँ पे 5% दे दोगे, 0.05। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या चेंज किया यहाँ पे, लोड केस नेम, लोड केस टाइप, लोड नेम, फंक्शन, स्केल फैक्टर और डायरेक्ट यहाँ पे डायफ्राम इसेंट्रिसिटी, और मैं ओके बोल देता हूँ। सिमिलरली मैं स्पेक्ट्रम इन वाई डायरेक्शन को डिफाइन करूंगा, तो स्पेक एक्स की जगह पे स्पेक वाई, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ऐड करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे यू टू कर दूंगा। ठीक है, लोड नेम में, फंक्शन में जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, और ये स्केल फैक्टर मेरा सेम ही आएगा बिकॉज यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी मेरी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, है ना। सो मैं वो वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे 1226.25। ठीक है, जो मेरा लोड स्केल फैक्टर था इनिशियल आईजी अपॉन 2R, और डायफ्राम इसेंट्रिसिटी में 0.05। ठीक है, ओके, सो दिस वे आई हैव डिफाइंड माय लोड केसेस डायनामिक्स अर्थक्वेक। ओके, स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन एंड स्पेक्ट्रम इन वाई डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन of response spectra that I am going to use. Okay, so according to the zone factor and impedance factor, soil type and the response reduction factor, I have obtained a response spectra, and then I have defined load case. In that I have clicked on this add new case, I have given this name of spectrum, and then response spectrum, selected the load case type, and then click over here add, and then the load name will be for spectrum in x direction, load name will be u1, displacement in one direction. Okay, then function will be the defined function, and scale factor will be ig upon 2r, and then diaphragm eccentricity ratio 5%. Okay, so this way I have defined the load cases of dynamic earthquake in x direction and earthquake in y direction, response spectrum in x direction and response spectrum in y direction. समझ में आ गया इतना? So मैंने ये स्ट्रक्चर को एनालाइज कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा, शो टेबल में जाऊंगा, और यहाँ पर जो मैं बेस रिएक्शन है वो चेक करूंगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आउटपुट में बेस रिएक्शन ये मैं चेक करूंगा, अर्थक्वेक एक्स एंड अर्थक्वेक वाई, मैं सारे लोड केसेस ले लूंगा, यहाँ पे भी मैं सारे लोड केसेस ले लूंगा, ये मॉडल मॉडल को मैं नहीं सिलेक्ट करूंगा, मॉडल निकाल दूंगा। ओके, ये कॉम्बिनेशन रहेंगे, ये जो बेस शेयर है देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो है 168.268.8, ये न्यूटन्स में, मैं पहले यूनिट चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, यूनिट्स मैट्रिक ऐसा है डिफॉल्ट। अब मैं देखो यहाँ पे शो डिस्प्ले में जाऊंगा और यहाँ पे बेस रिएक्शन पे क्लिक करूंगा। ओके, सो अब जो वैल्यूज मिल रही है मुझे, ये 168.26 किलो न्यूटन अर्थक्वेक इन एक्स डायरेक्शन, वही मेरा डायनामिक्स का बेस शेयर कितना है, ये देखो मेरा स्टैटिक का बेस शेयर है और ये मेरा डायनामिक का बेस शेयर है। ठीक है, 13.1126। सो मुझे इसको स्केल अप करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये क्लॉज क्या बता रहा है कि अगर मेरा डायनामिक एनालिसिस से जो वीबी आ रहा है वो कम होगा, सो मुझे उसको स्केल अप करना पड़ेगा अप टू द बेस शेयर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, तो मुझे स्पेक एक्स को EQX के इक्वल करना पड़ेगा। सो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये फैक्टर डिटरमाइन कर लूंगा ना कि कितने फैक्टर से मुझे वो स्केल फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो है 168.2668, ये देखो स्केल फैक्टर के लिए क्या करूंगा मैं, EQX, ये मेरा स्टैटिक है, EQY। ठीक है, अब ये EQY, ये EQX में मुझे मिला है 168.268 और EQY भी मेरा उतना ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो 168.268 168.268 88। थोड़ा एक और फिगर ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा स्टैटिक है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ स्टैटिक शेयर। ठीक है,
ये स्टैटिक बेस शेयर है, अभी ये डायनामिक बेस शेयर, यहाँ पे डायनामिक बेस शेयर। सो स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ, ये स्पेक एक्स, स्पेक्ट्रम इन एक्स डायरेक्शन, और ये स्पेक वाई। स्पेक एक्स मेरा कितना है 13.1126 ना, 13.1126, और स्पेक्ट्रम इन वाई डायरेक्शन कितना है 17.0217। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, ये कोड ने देखो क्या बोला है, कौन से स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। इफ दिस इज दिस डायनामिक बेस शेयर इज एस्टिमेटेड लेस देन द डिजाइन बेस शेयर वीबी बार कैलकुलेटेड यूजिंग फंडामेंटल फॉर्मूला, देन वीबी शुड बी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर वीबी बार अपॉन वीबी। सो स्टैटिक बाय डायनामिक मतलब इक्यू एक्स बाय स्पेक एक्स। सो मेरा स्केल फैक्टर क्या आएगा, स्केल फैक्टर x डायरेक्शन का स्केल फैक्टर दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्यू एक्स अपॉन स्पेक एक्स, और यहाँ पे इक्यू वाई अपॉन स्पेक वाई। ठीक है, ये मेरा स्केल फैक्टर है जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो मेरा ओरिजिनल आई जी अपॉन टू आर का स्केल फैक्टर है इससे। ठीक है, तो फाइनल स्केल फैक्टर फॉर इटैब्स यहाँ पे लिखूंगा, स्केल फैक्टर फॉर इटैब्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, ये वाला जो आई जी अपॉन टू आर है मल्टीप्लाई बाय दिस स्केल फैक्टर ये, और यहाँ पे दिस मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। तो इसको मैं स्केलिंग करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल स्केल फैक्टर था वो अभी इतना मुझे इनपुट करना पड़ेगा 15735.98035। ठीक है, सो मैं फिर से अनलॉक करूंगा, डिफाइन में जाऊंगा, लोड केसेस में जाऊंगा, और यहाँ पर मैं मॉडिफाई करूंगा इसको, और ये जो स्केल फैक्टर था वो मैं वो इनपुट करूंगा 15735.98 15735.98। और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में ये जो वैल्यू है मेरी 12122.15 12122.15। ओके, अब मैं फिर से एनालाइज करूंगा इसको और चेक करूंगा कि मेरा जो बेस शेयर है वो मैच हो गया है क्या, डायनामिक का जो बेस शेयर है वो स्टैटिक के बेस शेयर से मैच हुआ है या नहीं, वो मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो वापस मैं जाता हूँ डिस्प्ले में, शो टेबल में, बेस रिएक्शन, और यहाँ पे मैं चेक करूंगा। सो देखो ये EQX का वैल्यू कितना है 168.2688, ये भी है 168.2688 168.2688 168.2688। ठीक है, सो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है डायनामिक एनालिसिस इन इटैब्स। तो जैसे ये डायनामिक एनालिसिस खत्म होता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब स्केल फैक्टर आपका मैच हो गया, सो अभी आपको लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन करना है। सो लोड कॉम्बिनेशन में जाके ये सब मैं पहले निकाल दूंगा, ओके, फिर डिफाइन में जाऊंगा, लोड कॉम्बिनेशन में जाऊंगा और एड डिफॉल्ट डिजाइन कॉम्बोज इस पे सिलेक्ट करूंगा और कॉन्क्रीट फ्रेम डिजाइन पे क्लिक करूंगा। सो अभी आप देखोगे तो ये मेरे 6 लोड कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा ऐड हो गए, पहले 26 थे और अभी ये 6 ऐड हुए। यहाँ पे सिर्फ 6 ही क्यों ऐड हुए, बिकॉज जो रिस्पॉन्स है ना, जो ये स्पेक्ट्रम वाला लोड कॉम्बिनेशन ये माइनस डायरेक्शन में नहीं आता और ये मैक्स एंड मीन खुद ही जनरेट कर लेता है, मैक्सिमम ऑल अदर डायरेक्शनल पॉसिबिलिटीज सॉफ्टवेयर खुद करता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट होता है लोड कॉम्बिनेशन में। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था तो एक पॉजिटिव लोड केस रहता था और एक नेगेटिव लोड केस रहता था कॉम्बिनेशन में, अर्थक्वेक और विंड दोनों में, लेकिन स्पेक्ट्रम के केस में ओनली पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे।
और फिर हम जब डिजाइन करेंगे सारे एलिमेंट्स को, सो उसमें वो डिजाइन लोड, जो ये लोड कॉम्बिनेशन है, डायनामिक एनालिसिस वाले जो लोड कॉम्बिनेशन है, उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, और जो भी गवर्निंग लोड कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए वो रिजल्ट शो करेगा। ठीक है, जैसे अभी मैं डिजाइन करता हूँ ये कंक्रीट एलिमेंट्स, मेरे बीम डिजाइन होंगे, सो जो बीम रिइंफोर्समेंट आ रहा था, रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट, अगर मेरा अर्थक्वेक की वजह से कुछ इफेक्ट आया है तो वो इफेक्ट यहाँ पे देखने मिलेगा, जो कि अभी नहीं आ रहा है बिकॉज मेरा स्टैटिक अर्थक्वेक ही गवर्न हो रहा है। ये देखो डिकॉन 19, मेरा वो जो दूसरा वाला अर्थक्वेक है वो गवर्न नहीं हो रहा है, डायनामिक वाला। अगर वो गवर्न होगा तो वैल्यूज में डिफरेंस मिलेगा कहीं ना कहीं। तो भी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डिकॉन 30 आ गया, तो ये देखो डिकॉन 30 मतलब वो स्पेक्ट्रम वाला लोड कॉम्बिनेशन गवर्न हो रहा है, 30 वाला, है ना। सो इस तरीके से सॉफ्टवेयर क्या करता है, खुद ही चेक कर लेता है, और जो भी लोड कॉम्बिनेशन गवर्न होगा उसके लिए वो रिक्वायर्ड रिइंफोर्समेंट शो करेगा आपको। सो ऐसे हम डायनामिक एनालिसिस करते हैं इन ईटैब्स। ओके, सो